Sali abang mah. बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। अमर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी की जय। भारतीय जनता पार्टी की जय। नरेंद्र मोदी जी की जय। नरेंद्र मोदी जी की जय। भारतीय जनता पार्टिया कचेरी आगमिस्ट पत्रकर्त बंधु मैनारटी मोर्चा अल्पसंख्या मोर्चा वत स्वागत को वेद मेले नम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीयुत जमाल सिद्दीकी साहेब मूलतः नागपुर सुमार 30 वर्ष भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल मटद कार्यकर्तर के बंद राष्ट्रीय अध्यक्ष नम भारतीय जनता पार्टी गुरुसी ಈ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೂ ಅವರು ಅವರ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಸಂಘಟನೆ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ತಾವು ಕೇಳಬಹುದು. ಏನಾದ್ರು ಸಂಶಯ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈಸಾ ಕಿ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೊ ಪತಾ ಹೈ, लोकसभा 2024 का महासंग्राम शुरू हो गया है और पूरे देश ने तय किया है कि इस लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 400 से ज्यादा सीटें देकर हम उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे और देश ने दुनिया को यह संदेश देंगे कि अब भारत किसी के पीछे खड़ा नहीं होगा, अब भारत दुनिया को नेतृत्व करेगा. सभी समाज के लोगों ने माननीय मोदी जी को जिताने के लिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बैठक, सम्मेलन और संगोष्ठी के माध्यम से काम कर रहे. हमारा अल्पसंख्यक समाज भी कहीं पीछे न छूट जाए, इसके लिए देश भर में अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यक समाज के लोगों से बैठकर बातचीत करके उनको आगामी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलकर वोट देने जाए और सभी बूथों पर लीड मिले, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं. जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के लोगों को विकास के मार्ग से जोड़ा है, जहां पानी नहीं था वहां जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने का काम किया, जहां पर गरीबों को घर नहीं था प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर देने का काम किया, बीमार को इलाज मिले आयुष्मान भारत के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड देकर 5 लाख तक का इंश्योरेंस देने का काम किया,
युवाओं को रोजगार के लिए मुद्रा योजना के माध्यम से मुद्रा योजना में उनको 50,000 से लेकर 10,00,000 का लोन मिले जिसकी कोई गारंटी ना हो। ये सारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री ने कहा था वो करके दिखाया, और इस वजह से हमारा भी फर्ज बनता है कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारी संख्या में समर्थन देकर जो नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का, उसमें कामयाब करें। इस मुहिम में आज मैं यहां पर जो हमारे राज्य के अध्यक्ष हैं अनिल थॉमस जी, उनके साथ यहां पर आया हूं, क्योंकि जो कर्नाटक है यहां के हमारे साथी बहुत भोले हैं, और पिछली बार कांग्रेस ने उनको गुमराह किया, उनको अपनी बातों पर उलझाया, और कहीं ना कहीं हमारे जो साथी हैं यहाँ के हमारी भाई बहन हैं उन्होंने निर्णय लेने में थोड़ी सी चूक कर दी। अब ये चूक फिर से ना होने पाए, अब हमारे साथ ठगी ना होने पाए, इसके लिए हम सब लोगों ने रणनीति बनाई है। राज्य के 28 लोकसभा सीटों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष राज्य अध्यक्ष अनिल थॉमस जी ने लोगों को वहां पर प्रभारी के रूप में नियुक्त किया है। सारे विधानसभाओं में जो हमारे कार्यकर्ता है उनके माध्यम से हम लोगों के बीच में जाएंगे। इससे संवाद के माध्यम से जो हमारे समाज के मुस्लिम भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, जैन भाई हैं, सिख भाई हैं, उनके बीच में बैठेंगे, उनको हम बताएंगे कि इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया, और सबसे ज्यादा लाभार्थी अगर कोई है तो मुस्लिम समाज का है। हम बहनों के साथ हमारे बैठेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद हमारी बहनों को कितनी सुरक्षा मिली है, 3 तलाक जैसे कुरीति पर पाबंदी लगाई गई है, अकेली महिला जो हमारी है वो हज पर जा सकती है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार संवेदनशील है। हमारे जो युवा है उनको हम बताएंगे कि किस प्रकार से 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी जब सरकार नहीं थी तो किस प्रकार से घोटाले होते थे, किस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला था, किस प्रकार से देश में दंगे होते थे, दंगा मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम हमारी सरकार ने किया है जो पहले नहीं होता था। क्योंकि युवाओं को पहले क्या होता था अभी पता नहीं है, जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं उन्होंने 10 साल से मोदी जी की सरकार को देखा है, उनको नहीं पता कि सड़कें कितनी खराब होती थी, उनको नहीं पता कि हवाई जहाज में हमें सीटें नहीं मिलती थी, किराया कितना महंगा होता था, उनको ये नहीं पता कि वंदे भारत ट्रेन कैसी होती थी। अभी ये जो हमें योजनाएं मिली है इसकी चर्चा हम युवाओं के साथ बैठकर करेंगे, हम किसानों के साथ बैठकर करेंगे, हम सब मिलकर आने वाले समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देकर 400 से ज्यादा सीटें देने का काम करेंगे। उसमें हमारा मोर्चा भी पूरी तरीके से सहभागी रहेगा। इसके लिए हमने कार्य योजनाएं बनाई है और उसको हम लागू करने के लिए आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी हमने केरल में जो हमारे मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल सलाम साहब उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट दिया है और वो मलापुरम से लोकसभा के उम्मीदवार है। मैं 2 दिन पहले वहां पर था, बड़ी अच्छी संख्या में वो काम कर रहे, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वो जीत कराएंगे। नहीं, अभी तो फिलहाल उन्हीं को टिकट दिया गया है, हमारे पास अभी जो लिस्ट है उसमें उन्हीं को टिकट दिया गया है, बाकी और सीटें अभी बाकी है, मुझे यकीन है इंशाल्लाह और सीटें मिलेंगी हमें। कर्नाटक में बहुत सारे मुद्दे थे, जो पंजाब का जो देवल के पास मुसलमानों के व्यापार नहीं करने के लिए, तो आप नहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास की बात करती है और देश में भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो विकास के मुद्दे पर काम करती है, चर्चा करती है, बात करती है और विकास को दिखाया भी है। लेकिन कांग्रेस और
बाकी जो पार्टियां हैं जिनको विकास और मेहनत आता नहीं है, वो मुद्दे को भटकाने के लिए चुनाव के वक्त ऐसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले मुद्दे लेकर आते हैं जिससे हमारे मुसलमान क्रिश्चियन भाइयों को ठगा जा सके। और ये उन्होंने किया भी, ये पिछले विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से मुद्दे लाए, लोगों को भड़काया, लोगों को भटकाया। हाँ अच्छा अच्छा, देखिए हिजाब के टाइम पे भी मैं आया था, आपसे मुलाकात नहीं होती, और देश भर में जो हमारे लोग हैं उन्होंने ये कहा कि देश जो भारत हमारा है ये बहुत सारे धर्मों को मानने वाला देश है। यहां पर जब हम अपने घर में रहते हैं तो हमारे अंदर अपने धर्म को मानने के लिए पूरी पूरी आजादी है और हम अपने धर्म को पूरी तरह से पालन करना चाहिए, उसी तरह रहना चाहिए। लेकिन जब हम समाज में निकलते हैं तो समाज में, सड़कों में, स्कूल कॉलेज में, बाजार में बहुत अनेकों धर्म के मानने वाले लोग होते हैं। हमें उन पर अपने धर्म को थोपना नहीं चाहिए, हमें सर्वधर्म संभव की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर। उसी प्रकार से हिजाब का जो मुद्दा है, अगर हम अपने स्कूलों में अपने अपने धर्म के मुताबिक अपने ड्रेस पहन कराएंगे तो वहां जो ड्रेस बना हुआ जो सबके लिए एक समान ड्रेस है उसमें वो कैसे लागू होगा। इसके लिए ये कहा गया कि जो स्कूलें हैं वहां पर एक जैसा ड्रेस सब पहन करना चाहिए। हाँ अगर कोई विशेष धर्म का व्यक्ति है तो अपने स्कूल बनाकर वहां अपने विशेष धर्म के रीति से रहे, उसमें कोई बुराई नहीं थी। और वैसे भी जो हिजाब है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। आज जो हमें यहाँ हिजाब के नाम पर भड़काने वाले लोग थे वो जरा जाकर सऊदी अरबिया में देखे, वहां की हमारी बहन अभी मिस यूनिवर्स बनकर आई है। तो ये जो हमें विकास से दूर करने के लिए धार्मिक मुद्दों पर उलझाने का जो काम करने वाले लोग हैं उनसे हमें होशियार रहने की आवश्यकता है। देखिए वो रिजर्वेशन कैंसिल करना ही चाहिए था क्योंकि वो एक विशेष धर्म के नाम पे था। जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ जब कई धर्म के लोग मानने वाले हैं तो उनको ऐसा ना लगे कि किसी एक विशेष धर्म को ज्यादा समर्थन मिल रहा है, हालांकि उससे मुसलमानों को कोई फायदा नहीं था। हमारी सरकार ने पहले कैंसिल नहीं किया, हमारी सरकार ने जब तक पर्याय व्यवस्था नहीं दिया तब तक कैंसिल नहीं किया। लेकिन जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और यहाँ की हमारी राज्य सरकार ने EWS योजना लेकर आई, आपको पता होगा इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन एक नई जाति प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। जो गरीब है वो किसी भी धर्म का हो, अगर कोई गरीब है जिसकी आय 8 लाख से कम है वो EWS सेक्शन में आएगा, EWS जाति में आएगा, EWS धर्म का होगा, और उसको 10% का आरक्षण, वो तो 4% की बात करते थे, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ने 10% का आरक्षण शिक्षा में, रोजगार में, प्राइवेट कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, सभी जगह लागू किया। वो जो 4% का आरक्षण था वो शासकीय और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में था, ये तो सभी में था। लेकिन ये जो मुद्दे थे, इस मुद्दे को हमारे जो भाई बहन है वो समझ नहीं पाए कि हमें ज्यादा फायदे की ओर लेकर जा रहे हैं। और ये जो आरक्षण हमें 4% मिला है जिसका लाभ भी हमें कम होता है, और सिर्फ सरकारी स्कूलों में इसका लाभ, कॉलेज में लाभ मिलता है, लेकिन जो हमारे बाकी भाई बहन है उनको लगता है इसके ओर ज्यादा मिल रहा है, वो हमसे कहीं ना कहीं ईर्ष्या करते हैं, तो क्यों ना इसको लागू खत्म किया जाए, 10% जो आरक्षण हमें मिला है उसके तरफ बढ़ा जाए। लेकिन ये बातें हो सकता है हम समझाने में भी कमजोर पड़े हों, और वो जो गुमराह करने वाली ताकतें थे कांग्रेस पार्टी थी उसको हमारे भाइयों के खिलाफ में भड़काने में उपयोग किया, बस यही मसला था। लेकिन प्रधानमंत्री की नीयत साफ है, उस सबको न्याय देना चाहते हैं। ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಬಿತ್ತಾಕ್ತು, ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನೀವ್ ಯಾರು ಗಣಿ ಅಂತಿಲ್ಲ,
क्या बोले नहीं नहीं मैं पहले बताऊं जो देश भर का सर्वे है सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस का लाभ लेने वाला अगर कोई समाज है तो मुस्लिम समाज है क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब वही है। लेकिन उस लाभ को लेने के लिए हमारा समाज अब धीरे जागरूक हो रहा है। सबसे ज्यादा गरीब अगर कोई समाज है तो वो मुस्लिम समाज है और जो आरक्षण 4% का था उससे लाभ नहीं था लेकिन वो धर्म के नाम पर था, हमारे संविधान के खिलाफ था। स्टेट में भी लागू है, यहां भी लागू है, सभी जगह लागू है, लागू है, आप पता करें लागू है। मैं जिम्मेदारी साथ कह रहा हूं अभी उन्होंने निकाल लिया होगा लेकिन ये जो नहीं नहीं मैं बताऊं 10% ईडब्ल्यूएस का जो योजना है वो देश के सभी राज्यों में लागू है। शिक्षा में, रोजगार में, पढ़ाई करेंगे उसका पूरा फीस उसके व्यवस्था सरकार करके देगी। पढ़ाई करने के बाद नौकरी में 10% का आरक्षण मिलेगा। वो गरीब कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, जिसकी आय 8 लाख से कम है। क्या बोले आप पता कर लेना, मैं अगर यहाँ बैठ कर बात कर रहा हूँ तो जानकारी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आप पता कर लेना। मैं बेंगलोर में था, मैं बीदर में था, मैं हर जगह नहीं आ सकता। हमारे प्रतिनिधि राज्य अध्यक्ष से नहीं, क्या आवाज उठा, हम तो आवाज उठा रहे बैठे हुए। ये नहीं, आप राज्य अध्यक्ष करेंगे, हम तो देश भर में हर गांव में जा सकते। देखिए मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी सभी धर्म को साथ लेकर सभी को न्याय देने का काम करती है। और ये आज से नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से। मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको बनाने में मुसलमानों का भी योगदान है। अभी कैसे कौन कहता नहीं चाहिए। देखिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे नेता राज्य में येदुरप्पा जी हैं, विजेंद्र जी भी राज्य के अध्यक्ष हैं, हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए। अगर कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति आकर कुछ भी कहे तो उसमें कोई फायदा नहीं है। मैं जो बात कहना जा रहा था उसको आप सुनेंगे तो आपको हो सकता है नई जानकारी मिले। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको बनाने में मुसलमानों का योगदान है। अब मेरी बात सुन लेंगे, मैं कुछ बता रहा हूं आपको, सुनेंगे बताऊं, जानकारी ले, मैं आया हूं तो जानकारी लेना, मैं दे रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसको मुसलमानों ने बनाया। कैसे बनाया, जब जनसंघ तोड़कर जनता पार्टी बनी इमरजेंसी वक्त, और जनता पार्टी की सरकार में जब कहा गया कि या तो संघ की सदस्यता ले अटल जी को या फिर जनता पार्टी सदस्य रहे, अटल जी ने कहा हम सरकार में नहीं रहेंगे। सरकार से बाहर आने के बाद उनके साथ जो बाहर आए वो मंत्री पद छोड़कर बाहर आए, वो सिकंदर बख्त, हाजी सिकंदर बख्त। उन्होंने कहा कि जनता पार्टी के साथ मुसलमान सुरक्षित नहीं है, और मुसलमान अगर सुरक्षित है तो हिंदू भाइयों के साथ में, अटल जी के साथ में है। मैं जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं, मैं अटल जी के साथ जाऊंगा। वो बाहर आए और उनके बाहर आने के बाद सबने मिलकर
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के, वो भारतीय जनता पार्टी की जो पहली मीटिंग हुई स्थापना की वो मुंबई के दादर में हुई, और उस सभा की जो अध्यक्षता जिन्होंने किया वो थे मोहम्मद करीम छागला, जो मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस भी रह चुके हैं, उन्होंने उसकी अध्यक्षता की, वो मुसलमान थे। और जो भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले चार मेन लोग थे, जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए वो स्वर्गीय अटल जी हुए, जो महामंत्री हुए वो श्री आडवाणी जी हुए, श्री मुरली मनोहर जोशी जी हुए, श्री हाजी सिकंदर बख्श जी हुए। अगर भारतीय जनता पार्टी के नियत में कोई खोट होती तो हाजी सिकंदर बख्श को संस्थापक महामंत्री नहीं बनाते। हम शुरू से हमारा जो लक्ष्य है अंत्योदय, जो समाज का अंतिम आदमी, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो परेशान है, उसके लिए काम किया जाए। धर्म के नाम पर हम कभी काम नहीं करते। हाँ, धर्म सबका सुरक्षित हो इसलिए सब अपने अपने धर्मों की सुरक्षा के विषय में भी काम करते हैं, उसकी आवाज को हमेशा उठाते हैं। लेकिन कांग्रेस जिसका कोई धर्म ही नहीं है वो बैरूपिया है, अमर अकबर एंथोनी के तरह लोग है, जहां जैसा मौका मिलता है जैसा देश वैसा देश, जैसी भीड़ वैसा धर्म, कहीं टोपी कहीं तिलक कहीं कुछ, ऐसे जो गुमराह करने वाले लोग हैं वो हमेशा गुमराह करने में कामयाब रहे। लेकिन मुझे यकीन है इंशाल्लाह जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक किया है, देश में धर्म को मजबूत किया है, देश के लोगों को शिक्षित किया है, आने वाले समय में भारत का दबदबा पूरे विश्व में होगा। भारत जो विकसित भारत बनने का सपना देख रहा था, अब आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत बनेंगे। और अगर भारत विकसित भारत बनेगा तो उसमें देशवासी सभी विकसित होंगे, इसमें कोई छूटेगा नहीं, ये आप निश्चित मान लें। हो गया आपका, बस आपने बहुत बात करें, हो गया आपका। मैसूर क्षेत्र मठक हो चर्च भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी है और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे नेता है जिन्होंने सूफियों से मिलने काम किया है। जो हमारा कार्यक्रम भी चल रहा है सूफी सपा अभियान, क्या बोल रहे ये जो आप उसको सिंबल से देखते हैं तो सिंबल से देखने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं भी यहाँ पर आया हूँ, मैं भी कल मस्जिद में गया, इफ्तार किया, मैं भी दरगाह जाऊंगा, हो सकता है मैं मंदिर ना जाऊं। तो जिसकी जहाँ आस्था होती है वहां आदमी पहले जाता है, हमें राजनीति नहीं करना है। ये और वो आवश्यकता अनुसार जाएंगे, ये दिखाने का काम कांग्रेस करती है, आवश्यकता के अनुसार जाएंगे, सभी जाएंगे, किसी से भेद नहीं है। नहीं बिल्कुल, आपके पास हम भेजेंगे, डिटेल भेजेंगे, कौन कौन सी योजनाओं में कितना लाभ मिला है, आप अली जी से बात करेंगे, आपको डिटेल में देंगे। हो गया आपका, हो गया, हो गया, हो गया, थैंक यू थैंक यू। पूरे देश में मुस्लिम जो प्रॉब्लम ज्यादा है, वहाँ पे प्रचार हो गया ना बहुत से लोग। आप थोड़ा स्टडी करके बात करोगे तो मजा आएगा। आपने मेरे फेसबुक को देखा, आपने मुझे गूगल पे सर्च किया, आप सर्च करो ना पहले। हो गया, थैंक यू। आप थोड़ा स्टडी भी क्या करें।